हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे हो चुका मॉर्निंग का टाइम मस्त वाला। आज एक दिन में हमने दो ब्लॉग शूट किया, बहुत बड़ी बात है। एनर्जी है, बस ऐसे प्यार देते रहे आप लोग। अभी का मौसम देखते हैं, बहुत ही प्यारा सोना। इधर बकरियाँ हैं, इधर मम्मी जी। मम्मी गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, इतना बेटा बेटी देख रहे हैं, सब कुछ भरपूर है। बिल्कुल, इधर मम्मी जा रही है आटा सानने के लिए, देख सकते हो आप लोग। सान लिया क्योंकि छुटकी बहना का थोड़ा जो है ना उल्टी वगैरह हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि थोड़ा गरम मसाला वाला चीज़ें खा ली थी ना इस वजह से, तो अभी वो आराम कर रही है। हम रेडी हो रहे हैं सापुर पटोरी निकलने के लिए। फिर पटोरी से फिर कहाँ निकलने वाले हैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, बस थोड़ा सा वेट करो आप लोग। मॉर्निंग में हम लोगों ने वीडियो वगैरह बढ़िया तरीके से शूट कर लिए हैं। आज हम जाएंगे मम्मी के पुतों से मिलने। मम्मी तो इसे गुस्सा कर रही है, बोले लेवे नहीं करता, खाली मिलने जाता है, खाली मिलने जाता है। लाएंगे लाएंगे, सब सही टाइम से होगा, क्योंकि समय से बढ़ के कुछ नहीं है। मम्मी सिखाती है कि समय के हिसाब से सब कुछ जरूरी है। अभी हम मानते हैं कि मम्मी और छुटकी बहना पापा सब लोग अकेले रहते हैं, धीरे धीरे सब सही होगा, ऐसा सीन है। तो फिलहाल अभी रेडी वोडी हो जाते हैं, रोटी वोटी बन रही, मम्मी बना रही है। अभी बड़ा कष्ट करती है मम्मी जी हमारे लिए, सोचिए। अभी तक खाना नहीं बना है, तब बताइए। वीडियो बना करके अभी छुट्टी हुआ है 10 मिनट पहले, तो अभी सुहानी बहन को तबीयत खराब हो गया, उल्टी होने लगा उसको, टट्टी हुआ, अब वही आटा गूंद रहा था, तब बोले मम्मी हमको तबीयत नहीं ठीक है, तब हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, उसको आराम करने दीजिए। मम्मी थोड़ा कष्ट करके अभी बनाएंगे, और अभी हम थोड़ा जूता वगैरह तो साफ ही है, इधर हमारा कपड़ा वगैरह है तो सबको पैक कर लेते। बैग है वहाँ पे हमारा रखा हो उसमें रख लेते, क्योंकि यहाँ से करीबन हम आपको बता दें कि 2.5 घंटे का सफ़र। हाँ मम्मी, हमारे 2.5 घंटे का सफ़र है, और बताएंगे अभी बताएंगे, बस वेट करो आप लोग। मम्मी बोली जब तक यहाँ रुकने के लिए हम रुक जाते हैं। तो दोस्तों अभी हमें ट्रेन पकड़ना है। मम्मी जी जल्दी जल्दी खाना बना के घर में उन्हें रोटी दे दी। मम्मी देखे हाथों का रोटी, देखे बहुत ही सौंधा, बहुत ही प्यारा होता है, क्या बताए गाइस। मम्मी को अकेले सब काम करना होता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, समझ। देखिए निकाली भुजिया, भुजिया बना हुआ गरम गरम, बताइए का। बस 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 मम्मी, बस बस थोड़ा सा, बस मम्मी बस 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 बच जाएगा, छोड़ दो छोड़ दो, नहीं रखना, नहीं खा पाएंगे हम ट्रेन में, इतना ही खा के चल जाएंगे। आइए आप सभी लोग आगे खा लीजिए। आज घर पे बनाया आलू का भुजिया मस्त वाला, सिर्फ सिर्फ आलू, इसमें कोई दूसरा सब्जी फेटा नहीं गया है। तो दोस्तों इधर देख सकते हो मम्मी एकदम धुआं धक्कर में जो खाना बनाने में लगी हुई है, अभी मस्त अभी खाना खा लिए। मम्मी को हाथों का रोटी एकदम गरम गरम मुलायम मुलायम बढ़िया तरीके से। अब क्या करना है हमको, कपड़ा देख लेते सूखा है कि नहीं, क्योंकि अब ना गाइस बैग में पैक कर लेते हैं, ये तो सूखा ही नहीं है गाइस, ऐसे सूख गया एक तरह से। थोड़ी देर जींस को ना और थोड़ा सा बर्रा देने देते, बर्राने के मतलब थोड़ा सा सूख जाएगा ना, तो हम पहन के समझिए सूख ही गया है, समझिए 50% से ऊपर सूखा हुआ है, ऐसा सीन है। टी शर्ट पैक कर लेते हैं, काम आएगा। और शर्ट ये बोला कैसा है देखते हैं गाइस, शर्ट भी ठीक ही है, बटन लगा के रखी है छुटकी बहना, उसका तबीयत ठीक नहीं है, उल्टी कर रही थी बहुत ज़्यादा, गई है आराम करने के लिए। अभी खुल जाओ भैया, टूट ना जाए कहीं। दोस्तों इधर देख सकते हो छुटकी बहना का तबीयत ठीक नहीं है, तो आराम कर रही है। चलिए हम आराम करने देते छुटकी बहना को, बिल्कुल एकदम पेट दर्द हो रहा था सवेरे से बेचारे, एकदम खूब मेहनत की है, तभी वीडियो वीडियो बनाई है हमारे साथ में। इधर हमारी प्यारी सी मम्मी है। सुबह हम फाइनली निकल रहे हैं घर से, और हम आपको बता दें कि आपकी जो होने वाली भाभी है उनका बर्थडे है। मम्मी जो है दिल पे पत्थर रख के हमको भेज रही है, हमको पता है कि आप लोग अभी गुस्से हैं, थोड़ा सा नाराज है, सब समय के हिसाब से मैं सही कर लूँगा, बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए हमको। इधर मम्मी है, ठीक है मम्मी अपना आशीर्वाद दे दो हमको, हाथ में हेलमेट रखे हुए हैं, अच्छे से रहना, किसी से ज़्यादा बातचीत मत करना जब तक हम घर में नहीं है, तो मना करना कि भैया अभी घर में नहीं आए ना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। हम डायरेक्ट वीडियोस में बोल रहे हैं, मम्मी को समझा रहे हैं, क्योंकि भैया लोग आ जाते हैं मम्मी को तंग करने लगते हैं कि भैया कहाँ है, मिलवाइए मिलवाइए, हम घर में है नहीं, और एक दिन दो दिन बाद वाला व्लॉग आता रहता है घर का, अभी एक्स्ट्रा व्लॉग हम बना रखे हैं, तो इस वजह से जो भैया लोग मिलना चाहते हैं वो करीबन समझिए 1 या 2 तारीख के बाद आइएगा आराम से मिलने के लिए।
ठीक है मम्मी निकलते हैं, इधर हमारी स्कूटी है, चलिए दोस्तों। सुबह जस्ट अभी शाहपुर पटोरी पहुंचे हैं और सामने पड़ता है हमारा बाइक का स्टैंड, बाइक लगा देंगे फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन चलेंगे। तो भाई बाइक स्टैंड में भी आ चुके हैं, हेलमेट रख देते हैं और डिक्की के अंदर ही, ताकि और बढ़िया सेफ रहेगा। स्कूटी यहीं पे लगा दी है मस्त, और ट्रेन पकड़ेंगे थोड़ी देर में, यानी आधा घंटा बचा हुआ है, 1 बजे हमारी ट्रेन आएगी, तो कुछ दिन हम यहाँ पर बैठ के वेट कर लेते हैं। सुबह फाइनली अभी पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन, देख सकते हो आप लोग। आज के दिन पता नहीं धूप कैसे हो गया, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है। जब भी ट्रैवलिंग करने के लिए निकलते हैं तो बहुत ही धूप निकलता है। और मैं आपको सामने दिखा दूँ ना, एक पक्षी है, ये देखो आवल, एक छोटा सा दिख रहा होगा यहाँ पे सामने, ये रेलवे स्टेशन के पीछे। मन कर रहा है ना इसको पकड़ के ले जाओ, पिंजरे बंद करके पाले, लेकिन रहने देते हैं गाइस। आप लोग कमेंट करो कि चिड़िया को पकड़ना अच्छा नहीं होता गाइस, क्योंकि फ्रीडम होता है, वो लोग भी आज़ाद रहे। मैं देखता हूँ, अभी जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए दिख रहा होगा आप लोग को, ये देखिए एकदम मुंह ढक के बैठा। हाँ अब दिखा, ये एक आंखें खुला हुआ है, एक आंखें बंद है। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा था, हमने सोचा कैप्चर कर लो आप लोग के लिए। अभी थोड़ी देर में ट्रेन आने वाला, मस्त ट्रेन पकड़ते हैं, मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है, चलिए मस्त भी बैठते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, अभी जस्ट अभी अपने वाइफ के यहाँ से निकले हैं, ट्रेन में बैठे हैं घर के लिए, अभी घर नहीं जाना है, कहीं और जाना है, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। मैं आपको बताऊं कि अच्छे से हमने ब्लॉग भी नहीं बना पाया, ना बोल पाए, काफ़ी सारे लोग थे, अच्छा नहीं लग रहा था। हम सोचते खुलेआम आप लोग के पास में आए तो कुछ बोले, फिर आप लोग गुस्सा करोगे कि सिर्फ भाभी से बुलवाते, उनका फेस नहीं दिखा रहा, इसी वजह से। बस एक बहुत बढ़िया लीडर है जिससे मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ, उनसे मैं मिलने जा रहा हूँ, उनका भी ब्लॉग आएगा। आई होप आज के ब्लॉग के लिए इतने, बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुलसपुर, आदर्श से देख रहे पूरा पूरा फुलसपुर, बगल में स्टाइल जाकर के फॉलो कर लिए। कुछ दिन और रुकिए, भाभी जल्द आने वाली है, अपना क्यों निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए।